हिंदी सिनेमा के एक अद्वितीय तारे ऋतिक रोशन ने अपनी खासी रूप से शानदार अभिनय और चमकदार प्रदर्शन के लिए दिलों में जगह बना ली है। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई और क्रिटिक्स की सराहना को भी हासिल की है। यहाँ हम देखेंगे ऋतिक रोशन की शीर्ष 10 फिल्में जो उनके करियर का सबसे शानदार हिस्सा है। एक क्रिश 2006 ऋतिक रोशन की कृष्णा के रूप में इस फिल्म ने उन्हें सुपर हीरो के रूप में साकार किया और इसने बॉलीवुड में नए मानकों को स्थापित किया। राकेश रोशन की निर्देशन में यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर चमक मचाई और उन्हें एक स्टाइल और स्वयंभू नायक के रूप में पहचान दिलाई। दो जोधा अकबर 2008 इस इतिहासी ड्रामा में अकबर के किरदार में ऋतिक ने अपनी अद्वितीय अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। आशुतोष गोयनकर की निर्देशन में यह फिल्म भारतीय इतिहास के एक रोमांटिक अंधाधुंध कोने को छूने में कामयाब रही। तीन धूम 2006 इस एक्शन थ्रिलर में ऋतिक ने अभिषेक बच्चन के साथ मिलकर स्क्रीन पर धमाल मचाया। उनकी जबरदस्त स्टाइल और एक्शन सीन्स ने दर्शकों को मोहित कर दिया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रिकॉर्ड बना दी। चार कभी खुशी कभी गम 2001 करण जौहर की इस धारावाहिक पारिवारिक फिल्म में ऋतिक ने आपके दिलों को छूने वाले अभिनय के साथ एक बेहद रोमांटिक किरदार में चमकाई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई और ऋतिक को एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित किया। पांच कहो ना प्यार है 2001 वयस के रूप में ऋतिक रोशन ने इस फिल्म से अपनी शुरुआत की जिसने उन्हें तुरंत स्टारडम तक पहुंचा दिया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राकेश रोशन के बेटे होने के बावजूद पहली फिल्म हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हर सेलिब्रिटी संतान अपनी पहली फिल्म में इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकती है। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों दोनों से समान रूप से प्रशंसा मिली। इसके अतिरिक्त ऋतिक रोशन को हिंदी सिनेमा में दोहरी भूमिका के साथ अपनी शुरुआत करने वाले एकमात्र अभिनेता होने का गौरव प्राप्त है। छह गुजारिश 2010 संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में ऋतिक ने एक अद्वितीय किरदार में उम्मीद और साहस का प्रदर्शन किया। उनका अभिनय ने दर्शकों को रुला दिया और इसे उनके करियर के उच्चतम बिंदु में से एक बना दिया। सात काबिल 2017 काबिल ऋतिक रोशन की फिल्मोग्राफी का एक छिपा हुआ खजाना है जिसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। यह शाहरुख खान की रईस की तारीख पर ही रिलीज हुई थी और मैं कम उम्मीदों के साथ इसे देखने गया था। हालांकि यह एक सुखद आश्चर्य साबित हुआ और मैंने फिल्म का भरपूर आनंद लिया। कहानी सीधी सादी है, दो अंधे व्यक्तियों के बारे में जहां पत्नी का यौन उत्पीड़न किया जाता है और अंधा पति प्रतिशोध चाहता है। यह देखना प्रेरणादायक था कि कैसे एक विकलांग व्यक्ति बदला लेने के लिए अपनी बुद्धि और सीमाओं का उपयोग कर सकता है। आठ क्रिश 3 2013 क्रिश की तीसरी भाग में ऋतिक ने फिर से सुपर हीरो के रूप में चमक दिखाई और उनकी अद्वितीय एक्शन सीन्स ने दर्शकों को चौंका दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई की और उसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फिल्म बना दिया। नौ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2011 इस फिल्म में ऋतिक ने एक आधुनिक युवा को निभाने के लिए अपनी आत्मा को बहुतंत्र रूप से दिखाया। जुनून भरा अभिनय और फिल्म की बेहतरीन कहानी ने दर्शकों को मोहित किया। 10 बैंग बैंग 2014 इस फिल्म में ऋतिक ने एक सुपर हीरो के रूप में एक और बार दिखाई दी और उनकी एक्शन सीन्स ने दर्शकों को मजबूती से अपनी ओर खींचा। इसे एक धारावाहिक फिल्म के रूप में स्वीकार किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। इस तरह से ऋतिक रोशन ने अपनी सिनेमा यात्रा में कई अद्वितीय क्षणों को अभिनय किया है और उनकी शीर्ष 10 फिल्में उनके प्रशंसकों के लिए स्मरणीय रहेंगी।